दोस्तों अगर आप भी जायसवाल और धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। 200 शतक जड़कर दूसरे टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल ने इतिहास ही रच दिया। चौके और छक्कों की T20 जैसी पारी से इस दिग्गज ने आखिरकार कैसे शतक लगाकर सबको बेहाल करके रख दिया। इनके दोस्तों ऐतिहासिक शतक और उनके रिकॉर्ड का पूरा वीडियो दिखाएंगे, जिसे देख करना आज आप इन्हें सलाम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में ज्यादा बेहतर कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में ना यशस्वी जायसवाल ने भूचाल ही ला के रख दिया है। अपने बल्ले से एक और ऐसा इतिहास लिखा है कि दोस्तों उनका नाम बड़े से बड़े दिग्गज अपनी जुबान पर अब बार बार लेंगे। विशाखापट्टनम के मैदान में दोस्तों जहां भारतीय क्रिकेट टीम दूसरा टेस्ट मैच खेलने के लिए उतरी, टॉस भी जीती, बल्लेबाजी भी चुनी गई रोहित द्वारा, तो वहीं खुद ब खुद रोहित शर्मा ही फ्लॉप हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा जो कि सबसे बेहतर बल्लेबाज है इस वक्त पर ना भारतीय क्रिकेट टीम में, वो इस बार भी फ्लॉप रहे। दोस्तों जायसवाल के सामने रोहित शर्मा बस 14 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों जैसे ही मुकाबला शुरू होता है, जायसवाल ने फिर से ताबड़तोड़ बैटिंग करी। दूसरे ही ओवर में जो रूट को उन्होंने 2 चौके फेल दिए। उधर फिर से जायसवाल ने इन्हें पारी के 13वें ओवर में चौका लगाकर एक और शोएब बशीर को भी चौका लगाया, यानी कि 4 चौके जायसवाल के बल्ले से आ गए थे। लेकिन इधर रोहित शर्मा न जाने क्या पहाड़ा पड़ रहे थे कि 41 गेंदों में 14 रन, यानी कि गेंदों के बिल्कुल अपोजिट उनके रन्स थे। और दोस्तों चलिए रोहित धीमी पारी खेल रहे थे, लेकिन यही धीमी पारी उन पर इतना ज्यादा प्रेशर बना चुकी थी कि रोहित शर्मा प्रेशर को फेस ही नहीं कर पाए। और फिर अल्टीमेटली पारी के 18वें ओवर में उनसे वो गलती हो गई जो एक किसी युवा या फिर बहुत ही ज्यादा कम अनुभवी खिलाड़ी से होती है। दोस्तों 18वें ओवर की तीसरी गेंद एक चारे के तौर पर डाली गई थी रोहित शर्मा को। पिचिंग आउटसाइड ऑफ गेंद थी और एक शार्पली स्पिन गेंद हुई थी। इस पर दोस्तों रोहित शर्मा के बल्ले कैच लगा, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद गई और एक स्मार्ट कैच दोस्तों ओली पॉप, भारत के सबसे बड़े विलन ने इस कैच को पकड़कर अंजाम दिया रोहित के विकेट को। दोस्तों रोहित शर्मा ना 14 रन पर आउट होकर इतने शर्मसार हो गए थे कि उनकी तस्वीरें इस वक्त पर आपके सामने हैं। वो भावुक थे और वाकई में उनका चेहरा बता रहा था कि वो किसी को जवाब भी नहीं दे सकते, क्योंकि दोस्तों रोहित शर्मा ने काम ही कुछ ऐसा कर दिया था। 14 पर आउट होना, वो भी तब जब आपकी टीम को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। दोस्तों ये वाक्य देख कर ना रितिका के साथ साथ सरफराज और भारतीय क्रिकेट टीम के बाकी खिलाड़ी भी शॉक में आ चुके थे। उधर शुभमन गिल ने जायसवाल का साथ भले ही दिया, लेकिन वो भी 34 रन से आगे पढ़ नहीं पाए थे। लेकिन जायसवाल तो यशस्वी जायसवाल हैं, इनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही क्लास है। दोस्तों जायसवाल ने पहले 2 ओवर में ही ना 4 चौके जड़ दिए थे और उसके बाद चौकों की झड़ी लगाते चले गए। उन्हें नहीं दिखा कि रोहित आउट हो रहे हैं या शुभमन गिल, उन्हें बस चौके व छक्के जड़ने थे जेम्स एंडरसन से लेकर शोएब बशीर को। और साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने जो रूट तक की जमकर धुनाई कर डाली। इनफैक्ट एक ओवर तो ऐसा आया कि पारी के 45 ओवर में इस खिलाड़ी ने बैक टू बैक 3 चौके जड़ दिए थे और उससे पहले ही जो रूट को उन्होंने एक छक्का भी जड़ा था। दोस्तों शोएब बशीर को एक और चौका जड़कर अब ये खिलाड़ी 50 तो कब का पूरा कर चुका था और अब ये 148 गेंदों में 94 रन बना चुके थे 11 चौके 2 छक्के ठोककर। और उसके बाद तो दोस्तों जायसवाल ने धोनी के अंदाज में कुछ ऐसा कर दिखाया ना कि देखकर आज आप इसे 10 बार सलाम कर जाएंगे खिलाड़ी को। दोस्तों बात है पारी के 49वें ओवर की तीसरी गेंद की। जायसवाल ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन की तरफ से एक ऐसा खतरनाक शॉट खेला कि ये छक्के में तब्दील हो गया और इस छक्के के साथ पूरा हुआ जायसवाल के करियर का एक और शतक। दोस्तों ये टेस्ट क्रिकेट में, अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में इस खिलाड़ी का पहला शतक है। और जरा इनके आंकड़े तो देखिए, मात्र 6 मैचेस के अंदर इन्होंने 505 रन जड़ रखे हैं। लाजवाब यशस्वी जायसवाल ने दोस्तों एक और बहुत बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 152 गेंदों में 100 रन इस खिलाड़ी ने पूरे किए अपने, और आज तक विशाखापट्टनम के मैदान में 22 साल की उम्र में तो कोई ऐसा कारनामा कर नहीं पाया है। दोस्तों जायसवाल के इसी शतक के बल पर भारत का स्कोर उठकर 100 से सीधा 175 के पार पहुंच गया। यशस्वी जायसवाल ने दोस्तों आज पूरी टीम का जिम्मा उठाया और पूरी टीम के खिलाड़ियों के रन अकेले अपने दम पर पूरे किए। दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने आज सिर्फ कोई 50 नहीं लगाया, कोई शतक नहीं चढ़ा, बल्कि उन्होंने 150 से ज्यादा रन की पारी तो खेली, साथ ही खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दोस्तों खिलाड़ी मैदान में आते हैं औरों के रिकॉर्ड तोड़ने, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने अपनी उस इनिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया जो उनके हाईएस्ट रन हुआ करते थे। सबसे पहले दोस्तों आपको डिटेल में ये बता दें कि यशस्वी जायसवाल ने आज भारत के लिए 245 गेंदों में 17 चौके 4 छक्के लगाकर 166 रन बना दिए थे।
और मैदान में भले ही सब आउट हो रहे थे, लेकिन जाते जाते ना अक्षर पटेल इस खिलाड़ी का अच्छे से साथ दे गए और उन्होंने भी 51 गेंदों में 4 चौके लगाकर 27 रन अपनी पारी में बना डाले थे। यानी कि दोस्तों इन दोनों के बल पर भारत का स्कोर 300 के पार पहुंच गया था। और ये मत सोचिएगा कि 150 रन लगने के बाद यशस्वी जायसवाल के रनों की रफ्तार कम हो गई थी, उल्टा वो तो और तेजी से रन बनाने लगे थे। दोस्तों जायसवाल का वो छक्का तो आपको याद होगा जिसे जड़कर उन्होंने अपना शतक लगाया था। उसके बाद एक ही ओवर में टॉम हार्डली को बैक टू बैक उन्होंने 3 चौके जड़े। इनफैक्ट दोस्तों आगे चलकर भी वो शोएब बशीर से लेकर टॉम हार्डली और जॉ रूट को भी इनफैक्ट इतने चौके लगाते नजर आए ना कि सबकी गर्दन में दर्द हो चुका था गेंद को देखते देखते, क्योंकि गेंद इतनी दिशाओं में जो घूम रही थी। खैर दोस्तों आपको बता दें कि अक्षर पटेल के साथ मिलकर ये इसी तरीके से आज यशस्वी जायसवाल ने भारतीय क्रिकेट टीम को 300 के पार पहले ही दिन में पहुंचा दिया है। और अभी तो भारत के सारे विकेट गिरे भी नहीं है। दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने कुछ ऐसा ही कमाल धमाल कर डाला है और 171 का अपना वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया जिन्होंने साल 2023 में बनाया था वेस्ट इंडीज की टीम के खिलाफ डेब्यू करते वक्त। दोस्तों यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी और रिकॉर्ड वाकई में सर आंखों पर रखने वाले हैं, लेकिन आप सभी उनकी बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे आज, और अक्षर पटेल की बैटिंग को भी नीचे कमेंट कर बताइएगा। लेकिन दोस्तों इस शानदार पारी का श्रेय पूरी तरीके से रोहित और धोनी को देते हुए इस खिलाड़ी ने अपना बड़ा बयान दिया है। आपको बताएं दोस्तों कि यशस्वी जायसवाल ने अपने बयान में कहा, मेरे पास शब्द नहीं है इस पारी को बयान करने के लिए। जाहिर सी बात है पहले टेस्ट मैच में हार देखने के बाद हर कोई खिलाड़ी पूरी तरीके से हताश था और हमने अपनी गलतियों पर वो परीक्षण किया जो शायद हमें पहले करना चाहिए था। इंग्लैंड की टीम के खिलाफ हमने जीती हुई बाजी को गवा दिया था और कोई भी चैन की नींद सो नहीं पाया था पिछले कुछ दिन से। सबके मन में केवल जीतने की आग थी और रोहित भाई का मेरे लिए समर्थन, प्रैक्टिस में उनके गुरु मंत्र मुझे इस बात की तरफ दिशा दे रहे थे कि टीम के लिए केवल बड़ी से बड़ी पारी खेलनी है। मैं टेस्ट मैच को टेस्ट मैच के लिहाज से खेलना अब सीख चुका हूँ और ये सीख मुझे रोहित और धोनी भाई जैसे खिलाड़ियों से ही तो मिली है। अगर ये शायद मेरी जिंदगी में ना होते तो इतनी बड़ी पारी कभी ना आ पाती। इनके द्वारा दी गई गाइडेंस और ट्रेनिंग के चलते ही मैं इतनी अच्छी व बड़ी पारी आज अपने देश के लिए खेल पाया हूँ। वाकई मैं अंदर से खुश हूँ क्योंकि देश की जर्सी पहनकर आपका एक ही कर्तव्य होता है और वो होता है देश को जिताना। उसमें कामयाब हो सका इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या होगी। बस इस पारी का श्रेय इन दोनों दिग्गजों को देना चाहूँगा जो हर वक्त मुझे सिखाते रहते हैं। दोस्तों यशस्वी जायसवाल का बयान वाकई में कमाल का है, ठीक उनकी पारी की तरह। वैसे आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल ने रिकॉर्ड भी कई बनाए, लेकिन आप सभी उनकी पारी को उनकी इन कही गई बातों को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।